डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग क्लास 10 का जो अगला पोयम है, चैप्टर 4 का द नेशन बिल्डर्स, उसका स्टडी करेंगे। द नेशन बिल्डर्स को आर डब्ल्यू इमर्शन ने कंपोज किया है। वो बहुत अच्छे एक पोएट थे। उन्होंने नेशन बिल्डर्स के बारे में बहुत अच्छी बातों को इस कविता के माध्यम से बताया है, जिसको हम स्टडी करके जानेंगे। यहाँ पर दिया है, नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर्स लॉन्ग, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लिप, हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। इसमें ग्लोसरी दिए गए हैं नीचे, जो टफ वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, नीचे दे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बुक से लिया गया है, टेक्स्ट बुक है। पोएट बता रहा है कि नॉट गोल्ड बट ऑनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, यानी किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को धन संपत्ति महान नहीं बनाता है, बड़ा नहीं बनाता है, बल्कि वहाँ के लोग उसको महान बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। कह रहा है कि मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक, यानी जो व्यक्ति सत्य और सम्मान के लिए जीता हो, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, वह लंबे समय तक दृढ़ संकल्पित होकर स्थित रहता है। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, बहादुर व्यक्ति निरंतर वर्क करते हैं, काम करते हैं, लेकिन दूसरे लोग सोना ही अपना सब कुछ समझते हैं। हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, बहादुर व्यक्ति साहस से हर परिस्थिति का सामना करते हैं, लेकिन दूसरे वहाँ से भग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशन पिलर स्टेप, और यही बहादुर व्यक्ति अपने राष्ट्र के नींव को मजबूत बनाते हैं, लिफ्ट देम टू द स्काई, और ऊंचाई तक, आसमान तक लेकर जाते हैं। बहुत अच्छी कविता है, आप सब इसको अपने माइंड में मेकअप करें। धन्यवाद।